हाय गाइस, वेलकम बैक टू फूड लूप। और आज हम खाने वाले हैं सबकी फेवरेट वाई वाई। मेरे पास यहाँ पे एक चिकन फ्लेवर है और एक वेज फ्लेवर है। वाई वाई नूडल नॉर्थ ईस्ट में बहुत फेमस है। अगर आपका कोई नॉर्थ ईस्टर्न फ्रेंड है तो आप उससे अगर पूछोगे वाई वाई के बारे में तो वो आपको ज़रूर बताएगा, क्योंकि ये बहुत फेमस नूडल है वहाँ पर। बहुत टेस्टी है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। अब मैं आपको खोल के बताता हूँ। और इसकी ख़ास बात ये है कि इसको आप नमकीन की तरह खा सकते हो और आप इसको नूडल बना के भी खा सकते हो। आप इसको कई तरीक़ों से खा सकते हो। चलिए अब हम ओपन करते हैं ये चिकन वाली वाई वाई। तो इसके साथ आपको मिलता है एक अनियन ऑयल और ये उसका MSG यानी उसका टेस्ट मिक्स या टेस्ट एनहेंसर। और उसके साथ आपको मिलेगा एक चिली पाउडर। तो टोटल तीन चीज़ें मिलती हैं और उसका नूडल कुछ ऐसा दिखता है। इसको आप डायरेक्टली भी खा सकते हो। काफ़ी अच्छा फ्लेवर है इसके नूडल का। अभी हम इसका नूडल भी बनाएंगे और मैं आपको दूसरे तरीके से खा के भी बताऊंगा। खाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है मेरे सब्सक्राइबर काउंट में तो पूरा दिन अच्छा जाता है, बहुत खुशी मिलती है। तो अगर आप यहाँ नए हो तो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच, लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। गाइस, वाई वाई बन के हो गई है तैयार और मैंने इसको दो तरीके से बनाया। ये है उसका नॉर्मल, डायरेक्टली उसमें आप टेस्ट मेकर और सारी चीज़ें मिक्स करके आप उसको जैसे कि मैंने कहा नमकीन की तरह खा सकते हो। और दूसरा तरीका है ये जो नॉर्मल सूपी नूडल्स बनाते हैं हम, उसकी तरह बना के आप खा सकते हो। ये जो नमकीन स्टाइल में है ये वेज है और ये जो नूडल है ये चिकन वाला है। तो सबसे पहले हम ये वाला खा के देखते हैं। ये चाय के साथ है ना, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये नमकीन का टेस्ट आपको लगेगा भी नहीं कि आप नूडल खा रहे हो। बहुत ही क्रिस्पी है, ये फ्राइड है इसलिए ये बहुत क्रिस्पी है और इसका फ्लेवर इतना अच्छी तरीके से मिक्स होता है इसके साथ। बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, हल्का सा किक है बस। वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो स्पाइस पाउडर मिला है इसके साथ वो आप कितना डाल रहे हो। हर बाइट में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसको पहली ही बार खा रहा हूँ, इतना फ्लेवर है इसमें। अब हम खाने वाले हैं ये सूपी नूडल। इसमें जो सूप है पहले हम वो टेस्ट करके देखते हैं। बाय द वे ये सूप में अनियन ऑयल ऊपर से डाला है मैंने, तो लेट्स सी कि अनियन का कितना टेस्ट आता है इसमें। इसका सूप बहुत 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 टेस्टी है। एक पूरा सूप का बोल मैं इसका पी सकता हूँ, ये बहुत बहुत अच्छा फ्लेवर है। अब हम इसका नूडल खा के देखते हैं। नूडल क्वालिटी इसकी अच्छी है क्योंकि ये नूडल्स काफ़ी पतले हैं, तो लेट्स सी। मज़ा आ गया खा के। ये नूडल दोनों तरीके से बहुत अच्छी लगती है। मुझे एक आइडिया है, पता नहीं ये अगर किसी ने किया होगा नहीं, अगर आपने कभी वाई वाई खाई है और आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपने ये चीज़ की है तो लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं ये थोड़ा सा इसमें मिक्स करके साथ में खाने वाला हूँ, लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू टेस्ट। ये थोड़ा सा मैंने लिया, इसमें मिक्स किया। ये मेरा नया इन्वेंशन है, सॉफ्ट नूडल और जो नमकीन टाइप जो हमने बनाया है वो क्रंचीनेस, वो सारी चीज़ें अलोंग विद द ब्रॉथ प्लस दोनों का फ्लेवर जो दुगना हो जा रहा है, इट इज़ जस्ट। अगर आपके पास वाई वाई के पैकेट्स हैं तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेल यू कि आपको ये क्रंची और ये जो मैंने नया इन्वेंट किया है ये आपको ट्राई करना चाहिए।
मेरे पास और है। इफ़ यू वॉन्ट टू नो कि ये कहाँ पे मिलता है, कहाँ से मैंने लिया, तो जस्ट आस्क मी, आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। कुछ भी क्वेश्चन हो जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू इट। मेरा फ्रेंड मुझसे पूछता है कि तू क्या सिर्फ नूडल्स के रिव्यू करता रहेगा क्या? तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, कंटेंट की कमी हो रही है और बाहर जाके वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। ऐसी हालत हो गई है कि पार्ले जी का रिव्यू करना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर यू गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू लाइक एनीथिंग जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जो मुझे ट्राई करना चाहिए, जो मुझे खाना चाहिए, जिसका आप रिव्यू चाहते हो, आई विल डू इट, जस्ट लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलता हूँ मैं आपको अगली बार इसी जगह। अंटिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।